नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक एम्बुलेंस ने यूपीडा की पेट्रोलिंग कार को भयंकर टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में एम्बुलेंस सवार दो लोगों की मौत हो गई, वहीं यूपीडा के 3 कर्मचारी भी बुरी तरह घायल हो गए। अमेठी में तहसील क्षेत्र के ठेंगा गांव में रहने वाली शशि ओझा गले में तख्ती लटकाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाने पहुंची। महिला ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पति ने धोखे से उसे मृत घोषित करके उसके नाम पर दर्ज जमीन को अपने बेटे के नाम पर करा दिया है। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली में पूर्व ब्लॉक प्रमुख तिलोई तमीम फातिमा पर धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। अमेठी में थाना अमेठी पुलिस ने इरशाद और वाहिद नाम आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 13,750 नकदी और कई जेवरात बरामद हुए। अमेठी में जामो थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक के खिलाफ प्रतापगढ़ की एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी से मुकर गया है। अमेठी में थाना शिवरतनगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास आरोप में राम प्रकाश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई लाठी बरामद की गई है। अमेठी में रामगंज थाना क्षेत्र में पान की दो गुमटियों में ताला तोड़कर चोरों ने नकदी सहित लाखों के सामान और बगल घर के सामने खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। लखीमपुर खीरी के पास मौजूद नेपाल के शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान में शौचालय के सेप्टिक टैंक में फंसकर हाथी की मौत हो गई। बता दें कि महेंद्र नगर के कंचनपुर में नगर पालिका 7 के काला पानी में सामुदायिक वन कार्यालय ने शौचालय का सेप्टिक टैंक बनाया था। लखीमपुर खीरी में संकटा देवी रोड पर एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। एक सर्राफा की दुकान के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। जौनपुर के केराकत थाना के उसरपुर दिल्ला गांव के बजड़ी के खेत में 32 वर्षीय संतोष यादव का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जौनपुर के थाना पवारा पुलिस ने रज्जूपुर गांव से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का मुकदमा दर्ज किया गया है। जौनपुर में थाना खेतासराय पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ पर उनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और कुछ नगद रुपए बरामद हुए। सीतापुर के कोतवाली सिधौली के बाबागंज में एक दुकान से लगभग 3 लाख का सामान चोरी कर चोर फरार हो गए हैं, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली सिधौली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।